मध्य प्रदेश सरकार के बजट में उज्जैन संभाग को 22 ओवरब्रिज व 7 नदियों के ऊपर बनने वाले ब्रिजों की सौगात मिली है। सेतु निगम ने इनके निर्माण को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी है। उज्जैन संभाग में 8 जिले आते हैं। इन जिलों से लंबे समय से ओवरब्रिज और नदी पर बनने वाले पुल निर्माण की मांग की जा रही थी। मध्य प्रदेश सरकार ने अपने बजट में उज्जैन संभाग के लिए 22 ओवरब्रिज तथा 7 रिवर ब्रिज की स्वीकृति दी है। इस स्वीकृति के साथ ही मध्य प्रदेश सेतु निर्माण विभाग ने उनके निर्माण के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। सबसे पहले बनने वाले ब्रिजों के सर्वेक्षण का कार्य किया जाएगा। इसके बाद इन ब्रिज की DRP तैयार की जाएगी। DRP की स्वीकृति के बाद इनके टेंडर ले जाएंगे। सेतु निर्माण के कार्यपालन अभियंता सुनील कुमार अग्रवाल के अनुसार सेतु निर्माण की टीम को जल्द ही सर्वेक्षण में लाया जाएगा। इसके साथ सेतु निगम के SDO RK कटारिया, उपयंत्री महेश शर्मा और उपयंत्री रघुनाथ सूर्यवंशी की टीम इन प्रोजेक्ट पर काम करेगी। बड़े ब्रिज 2 साल में, वही छोटे ब्रिज 1 साल में पूरे हो जाएंगे। उज्जैन संभाग में कुल 8 जिले आते हैं और उज्जैन संभाग के अंतर्गत 22 ROB और 7 रिवर ब्रिज की स्वीकृति प्राप्त हुई है। ये अभी काम प्रचलन में है या नए? नहीं, नए काम है। अभी तो सभी के सर्वेक्षण और DPR वगैरह तैयार की जाएगी और उसकी निविदा कार्रवाई करके कार्य प्रारंभ किया जाएगा। सर, ये माना जाए क्योंकि सिंहस्थ आने वाला है और पूरे उसमें संभाग में काम होने हैं, तो ये कितने समय में पूरे काम कम्प्लीट हो जाएंगे? ये कार्य करने की समय सीमा तो कार्य की लागत के ऊपर निर्भर रहती है। जैसे अगर छोटा है 5 करोड़ के अंदर, उसको 1 साल का समय दिया जाता है, अधिकतम 2 साल का समय दिया जाता है।